जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है फिजा खान शॉक्ड, पीओके एंड गिलगित रेसिडेंट रेडी टू ज्वाइन इंडिया, पाक मीडिया क्राइंग ऑन पीओके प्रोटेस्ट। बाय बाय, अच्छा 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 वाला न्यूज आया है। लेकिन पीओके में, हाँ बात सही है, पीओके में काफी टाइम से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, खास करके गिलगित में भी, क्योंकि ये पाकिस्तानी उसको भी वहां पे भी शांति से जीने नहीं दे रहे। वो बाकी पीओके हो गया, गिलगित हो गया, फिर बलूचिस्तान हो गया, मतलब बेड़ा गर्क करके रखा है पाकिस्तानी ने इन लोगों का। हाँ, और खास करके बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरे हालात है, क्योंकि वहां पे बलात्कार, औरतों को किडनैप करना, ये सब कुछ मतलब कांड हो रहे हैं। खास करके पहले देखते हैं वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल न्यूज क्या है। लेकिन दोस्तों, तो वीडियो में अभी आप पहली बार आए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनकी भी बदकिस्मती है कि उनके सबसे बड़े वकील हम हैं और हम अपने आप को बचाने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। हम खुद बहुत मुश्किलात में हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखे ना, अब हर रोज हम हाथ फैलाए दुनिया के सामने चल रहे हो तो हमारी बातों में कितना बदन कितना दम दिया जाएगा। उजा कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हकूक की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और आए रोज़ बेगुना कश्मीरियों पर ये जो मजालिम की खबरें आती हैं। उजा कश्मीर में जो काबिज भारतीय फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। फिजा जी, हमारा इंडियन आर्मी तो बहुत ज़्यादा जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान आर्मी तो डायरेक्ट 72 हुरों के पास भेज देता है। आप देखिए साइड में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये पीओके के ही पुलिस है, लेकिन खुद पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर आकर पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ पर पुलिस सेफ नहीं है वहाँ पर सिविलियन का हालत क्या होगा। बहुत सारे वीडियो है जहां पर रेंजर्स या फिर आर्मी सिविलियन के ऊपर गोली चलाते हुए, लेकिन वो वीडियो तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल जाएगा। हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। भारत में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर है, मुसलमानों और दीगर मजाहब की इबादत गाहों की बेहरमती में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फिजा जी, आपका ये बात भी मान लेते हैं, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, बाकी माइनॉरिटी भी सुरक्षित नहीं है जो आपकी प्रोपेगेंडा के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है ना, वहाँ पर हिंदू बाकी माइनॉरिटी तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर जितने मुस्लिम है वो तो खुश रहना चाहिए। लेकिन आप इस वीडियो में देखिए कैसे पाकिस्तान में सिया मुस्लिम के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। एंटी-शिया सेंटीमेंट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई करंटली इन पाकिस्तान। इतना ही नहीं दोस्तों, अब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में सिया कम्युनिटी के साथ इतना ज्यादा नाइंसाफी किया जा रहा है कि वो लोग अब चाहते हैं कि वो भारत के साथ मिले। यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। किसी से डरेंगे आप लोग ना, किसी से झुकेंगे। अगर तुम रास्ते में डाउट पैदा करोगे तो हम करगिल जाके दिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें क्योंकि मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्क की मईशत दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है इतने बड़े चैलेंजेस के साथ। आज़ाद कश्मीर में देख लें, अब वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है कि हमने कौन सा मतलब इतना बड़ा क्या जुर्म कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ अटैच हो गए। वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो तो अब गुनाहगार खुद को समझते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर बैठे कि पाकिस्तान के साथ। आज इंडिया कह दे जी पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं, जिसको हम सारी ज़िंदगी मतलब बचपन से हमें सिखाते आए हैं कि इंडिया गो, इंडिया गो। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे कि पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर अपने मीडिया हो या देश हो या विदेश में हो प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे पाकिस्तान को कश्मीर या फिर गिलगित बाल्टिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनका बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप पूरा ये वीडियो देख लीजिए, आखिर में मैं आपको डिटेल्स में पॉइंट वाइज बताऊंगा और जानेंगे क्यों गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में जो सिया कम्युनिटी है वो अब भारत में मिलना चाहते हैं। आप चूंकि कश्मीर अफेयर्स के मुशीर भी रहे हैं, आपने बड़े करीब से देखे इस पूरे मामले को, तो आपको ज़्यादा मालूम होंगी, तो ये क्या हो रहा है, इसमें शिद्दत क्यों आ रही है? हिंदुस्तान
वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ा कोशां था और है, और वो चाहता यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि आलमी मंजरनामे से मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है वो मदहम हो जाए। अगर इकोनॉमी की तरक्की, अपनी मुआशी तरक्की, अपने आलमी हालात, रीजनल तनाज़ और इंटरनेशनल यूज़ की ज़रूरतें, उसके साथ तावन, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने पहले से जारी मजालिम में अब और टेक्निक्स का इजाफा किया है, जिस तरह बाकी ममालक लाइक इज़राइल उन्होंने शुरू कर रखा है, ये एक दूसरे से तजुर्बे शेयर करके कश्मीर की सूरत में ना वो कल कामयाब था, ना आइंदा कामयाब होगा, ना फलस्तीन में वो कामयाब होंगे, जबर के हथियार बहरहाल हैं। और हमारी बदकिस्मती भी ये है कि कश्मीरियों के, उनकी भी बदकिस्मती है कि उनके सबसे बड़े वकील हम हैं, और हम अपने आप को बचाने की पोजिशन में इस वक्त नहीं है, हम खुद बहुत मुश्किल में हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी देखे ना, अब हर रोज हम हाथ फैलाए दुनिया के सामने चल रहे हों तो हमारी बातों में कितना बदन, कितना दम दिया जाएगा। एक मजबूत मुस्तहकम मीशत, मुस्तहकम सियासी तौर पर पाकिस्तान कश्मीरियों का बेहतरीन वकील बन सकता है, लेकिन उसके लिए जब हम अपने पोजीशन में बेहतर होंगे, अभी तो होंगे, अभी तो हम अपना मुकदमा प्रॉपरली नहीं लड़ पा रहे, इसलिए हिंदुस्तान को एक मौका मिला हुआ है। लेकिन मुझे यकीन है कि कश्मीर के हमारे भाई बहन जो हैं उन्होंने अपना मुकदमा दुनिया में जिंदा रखा हुआ है अपने खून से, अपनी जद्दोजहद से, और हिंदुस्तान उसको कभी भी मदहम नहीं करना। और जो पाकिस्तान है, हम आजाद मुल्क में हैं, यहाँ पे तो हम उससे डबल सफ़र कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम आजाद मुल्क में हैं और हमारी जो इनकी पॉलिसीज हैं या जो हमारे इधर हालात हैं वो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हमें ये लगता है कि वो हमसे अच्छे हैं, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान से अच्छा है, पाकिस्तान कश्मीर से भी अच्छा है, और पाकिस्तानी जैसे हम आजाद मुल्क में हैं, लाहौर में हैं, तो इससे भी अच्छा है। कहते हैं जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर बने पाकिस्तान? ये आप कश्मीर वाले से पूछे। मैडम, बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, यकीन माने के नहीं चाहता हूँ। इसलिए नहीं चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ 1971 में, आज बांग्लादेश हमसे कोई 6 गुना ऊपर है, उनका टका हमसे कदर में बहुत ज़्यादा ऊपर है, उनके यहाँ बिजली है, उनके पास चावल की काशी इतनी है कि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर उनका मुल्क चल रहा है, उनके पास बिजली है और सस्ती बिजली है, उनके पास डॉलर है तो सस्ता डॉलर है, पाकिस्तान में डेली का रेट है और 15-15, 20-20 रुपये ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर आप पीओके और गिलगित बल्तिस्तान एरिया को लोगे तो वहाँ पर सिया कम्युनिटी 30-35% के आसपास है और बाकी 40% या 45% के आसपास सुन्नी मेजोरिटी वहाँ पर है। लेकिन कुछ दिनों से आप देख सकते हो, साइड में वीडियो चल रहा है, कितने ज़्यादा लोग बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों का भीड़ है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये न्यूज़ गायब है, क्योंकि जो सुन्नी कम्युनिटी वाले हैं वो आरोप लगाए कि सिया कम्युनिटी के जो उनके लीडर है वो ब्लास्फेमी किए हैं, और पाकिस्तान में तो ब्लास्फेमी का मतलब सजाए मौत है, और उस बात को लेकर वो लोग शुरू पहले प्रोटेस्ट किए, और जो उनका असेंबली था वो भी मतलब रूल कर दिया कि नहीं, जो सिया कम्युनिटी के लीडर हैं उनको अरेस्ट करो। उसके बाद उनको बचाने के लिए सिया कम्युनिटी अब रोड पर निकला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट हो गया या फिर आर्मी हो गया बीच में आकर इस बात को सुलझाने का बिल्कुल चिंता ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वो चाहते हैं कि ये दो कम्युनिटी में आपस में लड़े या आपस में लड़कर मरे, ताकि ये जो पीओके एरिया है या फिर गिलगित बल्तिस्तान एरिया है वहाँ पर पाकिस्तान पंजाबी या फिर पाकिस्तान आर्मी का कब्जा हो। क्योंकि अगर आप देखोगे, पाकिस्तान को जितना भी पानी जाता है वो गिलगित बल्तिस्तान या फिर पीओके होते हुए जाता है, हाँ पंजाब से भी जाता है, लेकिन मेजोरिटी एरिया उनका वहाँ पर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है वो पीओके गिलगित बल्तिस्तान एरिया पे मिलता है। तो पाकिस्तान का जाता है, पाकिस्तान का मेन फोकस है कि इस एरिया से मैं जितना लूट सकूँ, मिनरल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितना भी संसाधन है मैं लूट सकूँ तो लूट लूँ, और इन एरिया के लोगों को ज़्यादा मैं कुछ ना दूँ, ये आपस में लड़कर ही रहे और उनको ज़्यादा कुछ मैं फ़ायदा ही ना पहुँचाऊँ। इसी वजह से दोस्तों ये लोग, खासकर सिया कम्युनिटी, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा कारगिल तक रास्ता खोल दो, क्योंकि कारगिल जो इंडिया के पास है या फिर हमारा है, वहाँ पर भी सिया कम्युनिटी है और वो काफ़ी खुश है। तो ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर इनको खुश नहीं रख पाता है तो वो एरिया उनको मतलब रास्ता खोल दे और ये लोग आकर भारत में मिल जाए। हालांकि अभी तो पाकिस्तान आर्मी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालात जिस हिसाब से नीचे जा रहा है वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। खुद पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहेंगे कि वो भारत के साथ मिल जाए, और ये दोस्तों बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। और वीडियो में जो हमने देखा वो सही है, मतलब पीओके और गिलगित में अभी बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपने नारे में सुना भी होगा कि हम मतलब कारगिल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये वाला नारा चल रहा था। तो कारगिल ये हमारा जो बॉर्डर इलाका है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां का इलाका है कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर में है। और आपको याद ही होगा कारगिल का, कारगिल वाला युद्ध भी, उससे आप बेहतर और जानेंगे। लेकिन इन लोगों को मतलब वहां से निकल ही जाना है, जमीन जमीन हो चाहे जाए दो मकान कुछ भी उसको नहीं चाहिए, बस उसको बॉर्डर खोल दो, इंडिया में आ जाना है। मतलब वहां पे खाने के फिलहाल, और बात सही भी है, कारगिल और जो गिलगित वाला जो एरिया इलाका है और पीओके वाला जो इलाका है वहां से ही पानी जो है रावी नदी जो हम बोलते हैं वो पाकिस्तान में एंटर होती है और वहां से ही बिजली जो है वो पैदा की जाती है और वो पाकिस्तानियों को मिलती है। और यदि उसका ये पार्ट चला गया तो पाकिस्तान में पहले तो अंधकार सा जाएगा, दूसरा कि पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी का तो क्या है कि एक इंडिया के साथ और दोनों के बीच में टीटी है, उस हिसाब से तो पानी तो यदि बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ बिजली बंद हो सकती है वो एक सही बात है। गिलगित भी जाएगा, पीओके भी जाएगा, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये पीओके गिलगित के पहले हाथ से जाएगा उसका सबसे बड़ा स्टेट जिसका नाम आप सब लोग जानते ही हो, ठीक है। और जो जिसके तो पीएम है वो इंडिया भी आए थे, उस स्टेट को मतलब अभी से ही आजादी वो मांग ही रहे हैं। जो स्टेट का नाम जो है वो है बलूचिस्तान, में बता ही दूं फिर आपको जाना लगे कि मेरे को पता नहीं है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान मेरे को लग रहा है कि वो स्टेट बनने जा रहा है, मतलब एक कंट्री बनने जा रहा है, उसको टाइम मतलब अब वो यूएनओ में और सब जगह पे उसका मतलब आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं धीरे धीरे। और फिर तो पाकिस्तान में क्या है, हाँ, कुछ नहीं, उसको रोजगार मतलब जब उसके पास ये दोस्त, वैसे टोटल चार स्टेट है पाकिस्तान के पास, उनमें से सबसे बड़ा स्टेट है बलूचिस्तान, फिर ये जो है पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान ये चला जाएगा, फिर कुछ नहीं बचने, हाँ, वाला नहीं, एक कराची बसेगा, इस्लामाबाद बसेगा, बस खत्म। हाँ। मतलब कराची मतलब जीवा बॉम्बे कहा जाता था पाकिस्तान का, उसको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। और इसमें देखो ये आवाम, अभी आवाम है उसकी आंखें है मतलब खुली है और दिमाग अभी थोड़ा बहुत चला है वो, ये दिमाग और ये आवाज है ना वो पहले ही चलनी चाहिए थी, क्योंकि पहले जो दो तीन लोगों को चलती थी ना उसको ये लोग अरेस्ट कर लेते थे, जेल में डाल देते थे, उसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा के जेल में डाल देते, ये सब कुछ पहले करते, क्योंकि वहां के जो वजीर आजम है और वहां की जो आर्मी है ना उसको पता है कि ये जो आवाम है ना पागल है, उसको पागल इजी से बनाया जाता है और हमारे घर की रोटी हम सेक सकते हैं। तो अब है ना वहां पे सबको पता चले कि अब आवाम धीरे धीरे पागल बन रही है। और मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ जिस दिन आवाम के हाथ में देश आएगा ना उस दिन ही पाकिस्तान का कुछ हालत सुधर सकती है, क्योंकि वहां पे क्या है कि एजुकेशन, जो एजुकेशन के नाम के इन लोगों ने सिर्फ मदरसे चलाए, उसको पता चला कि इसको अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा तो ये हमारा जो ये फैमिली बिजनेस चल रहा है ना बिजनेस खत्म, हाँ, कर देगा। तो अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग है वो समझने लगे हैं, उसको पता चल गया कि हमारे जो नियरेस्ट देश है पाकिस्तान के नियरेस्ट देश, जैसे कि अफगानिस्तान ले लो उसी का ही एक पार्ट था पूर्वी पाकिस्तान जो है, अभी बांग्लादेश है 1971 में आजाद हुआ, ठीक है। तो बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल वो ले रहे, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले रहे, इंडिया का ले रहे, सब कंट्री जो है पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं, करीबन 6 टाइम कोई कंट्री 10 टाइम हो, जैसे कि इंडिया 100 टाइम जैसे आगे निकल चुका है। तो अब इन लोगों की आंखें है थोड़ी बाहर आई है कि नहीं अब कुछ ना कुछ तो मतलब गलत हो रहा, अब सब लोग बोल रहे हैं कि हमको हाँ, ये लोग जीने नहीं दे रहे और सब लोग अंदर अंदर लड़ते जा रहे हैं। पहले माइनॉरिटी के साथ लड़ते थे हिंदू, फिर क्रिश्चियन, अभी तो खुद अब सिया सुन्नी का खेल हो गया, हाँ, वो भी लड़ रहे हैं सुन्नी को, मतलब वो मजहब के नाम पर देश बना था वो लोग अंदर अंदर लड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों को पता नहीं क्या करना है, जो करे वो पाकिस्तानी है, जो करेंगे वही भुगतेंगे, क्योंकि आप जो करोगे ना वो आप ही भुगतते हो, कोई और नहीं। आप कांड करोगे तो सजा आपको होगी, आपके पड़ोसी को सजा नहीं होती है, तो ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और इस वीडियो को इतने लाइक करो इतने कमेंट करो कि वीडियो वायरल हो जाए और पाकिस्तानियों तक पहुंचे एग्जैक्ट, क्योंकि वहां पे क्या कि न्यूज चैनल जो भी है ना वो न्यूज चैनल पे भी वहां की मतलब जो सरकार है वो जितना कहेंगी उतना ही दिखा सकते हैं, उससे अधिक नहीं दिखा सकते। तो वहां पे भी मतलब आवाम को भी पता नहीं चला, जब से ये यूट्यूब का सिलसिला वहां पे भी चला है तब से वहां पे आवाम को थोड़ा बहुत पता चलने लगा है, बट उसको तो स्टॉप नहीं करते, वहां पे तो पाकिस्तान किसी का तो कंट्रोल है नहीं।
ठीक है, वहां पे सिर्फ यूट्यूब गूगल का कंट्रोल है, तो अब सबको पता चल रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस होने लगे हैं और जल्द ही पीओके इंडिया में मिलने जा रहा है। लेकिन ठोस सबूत अभी हमारे पास, ठोस न्यूज नहीं आए हैं, जैसे आ जाए हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।